ओम शांति। ओम शांति। दीदी समान में ना बहुत ताकत था, जैसे उड़ते ही ना बोलना चाहिए कि मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वस्थिति ठीक होगी तो परिस्थितियाँ स्वयं बदल जाएगी, स्वस्थिति ठीक होगी तो परिस्थितियाँ स्वयं बदल जाएगी, स्वस्थिति ठीक होगी तो परिस्थितियाँ स्वयं बदल जाएगी। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बाबा मेरे साथ है, हजार भुजा वाला मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हजार भुजा वाला मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हजार भुजा वाला मेरे साथ है। मैं भाग्यवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं भाग्यवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं भाग्यवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, कर्ज मुक्त हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, कर्ज मुक्त हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, कर्ज मुक्त हूँ। मैं मास्टर सब शक्तिमान हूँ, सफलता मूर्त हूँ, मैं मास्टर सब शक्तिमान हूँ, सफलता मूर्त हूँ, मैं मास्टर सब शक्तिमान हूँ, सफलता मूर्त हूँ, मैं मास्टर सब शक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बंधन मुक्त हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बंधन मुक्त हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बंधन मुक्त हूँ। दीदी ऐसे जी लाभ तो बहुत हुआ है, इससे लाभ इतना है कि मेरा काम बहुत अच्छा चलता है और मेरे सब काम टाइम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, हर काम टाइम से हो जाता है। अब मूली सुनता हूँ, पाँच मिनट पाँच मूली तो सिर्फ सुनता हूँ, सिर्फ सुनता हूँ एक बार, बाकी पाँच में मूली पड़ता हूँ रोजाना, पाँच बजे सुबह मूली लेना पड़ता हूँ मैं रोजाना, डेली मर्जी में पाँच बजे सुबह मूली पड़ता हूँ जब टाइम मिलता है। बाकी सुबह से उठते ही करें जाए परमात्मा गुड मॉर्निंग, परमात्मा गुड मॉर्निंग बाबा का शुक्रिया, बाबा अपने परमात्मा गुड मॉर्निंग बाबा ने सॉरी बाबा परमात्मा गुड मॉर्निंग परमात्मा को बाबा का शुक्रिया, बाबा अपने मुझे अपना बनाया, बाबा अपने मेरे को जल्दी वाली बारे में सॉरी मैं आराम से बोलता हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ, भोजन करने से भगवान को याद करके खाना खाएं, स्कूटी पर बैठते हैं तो भगवान को याद करते हैं हमेशा, मतलब दिन भर हमेशा भगवान को याद करते हैं, भगवान को गाड़ी चलाते हैं कि भगवान मेरे साथ बैठा हुआ जी, भगवान गाड़ी चला रहा है, मैं आराम से बन गाड़ी चलाता हूँ। जब बच्चों के साथ आप कार्य व्यवहार में आते हैं तो उस समय पर क्या सोचते हैं? बच्चों के लिए सब बच्चे भगवान देख रहा है, बच्चे कुछ नहीं सोचते हैं जी, सब भगवान उनका पूरा करता है। बच्चों जब बेटी की शादी थी उस समय पर क्या मन की स्थिति रही? उस समय सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, हमारा शादी आराम से हो गया, हमें कोई टेंशन नहीं था, मेरे को शादी आराम से हो गया। उस समय पर क्या मन में विश्वास था? विश्वास था बाबा हमारे सब काम पूरा कराएगा, बाबा सब आराम से, बाबा बोला बाबा के बाबा शादी हमारी आप सारा काम खुद आपको करना है, जाकर साथ रहना मेरे साथ, बाबा ने अपना सब कुछ सही कराया, कोई दिक्कत एक भी दिक्कत नहीं, सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, नहीं पड़ी। तो बाबा जो हैं अपना सारा कारोबार जो है बच्चों का जिम्मेदारी लेकर के बाबा ने निभाया, ये आपने अनुभव किया। तो रोज रात को कितने बजे सोते हैं? रात को मेरा पता नहीं, कभी एक बजे, कभी दो बजे, कभी ढाई बजे आते हैं पढ़ते पढ़ते मुरली, सो नहीं पाता मैं, सुबह फिर जैसे आता हूँ दुकान से 10 बजे तो खाना खाऊंगा, फिर मुरली पढ़ने बैठता हूँ, तो रात को 4-5 मुरली पढ़ना होता है, टाइम हो जाता ज़्यादा। अच्छी बात है। फिर बाद में सुबह कितने बजे उठते हैं? वैसे बोलता हूँ 4 बजे के, 4:30 बजे से उठता हूँ, 4 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद फिर अपना
पाँच बजे तक योग करता हूँ, उसके बाद नहाना धोना तैयार करके 6 बजे मैं नहा के तैयार रहता हूँ। और फिर बाद में जो है लास्ट में जैसे रात को सोते हैं तो क्या सम्मान के साथ सोते हैं? रात को सोते हैं तो मैं परमात्मा गुड नाइट बोलते हैं। जैसे हम ऑफिस से आते हैं घर में तो पहले हाथ पाँव सही से धो के फिर भगवान की गुड नाइट बोलते हैं रोजाना डेली के आने के बाद। उसके बाद जब सोते हैं जी तो परमात्मा गुड नाइट भगवान की गुड नाइट बोल के फिर हम सोमान को ये आदमी कहते हैं कि मैं सत्व की आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ जी। मैं तो इसमें तो बहुत सारे आपके सोमान होंगे ना जी। तो अभी हम सभी शांति में बैठेंगे। जैसे अभी आपने मुरारी भाई जी का अनुभव सुना कि स्वमानों को इसी तरीके से उन्होंने मंत्र के जैसे ही उच्चारण कर लिया। स्वमान से बहुत फायदा भी, स्वमान जैसे है ना, भी आप रोजाना आदमी बोले कि मैं मास्टर सब शक्तिमान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, मैं मास्टर सब शक्तिमान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। उसके बाद बोलना है मेरे साथ ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। उसके बाद बोलना है कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमेशा बोलते रहो तो बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तो भाव आपने समझ लिया ना कि पूरी दिन की दिनचर्या में वो अभ्यास करते रहते हैं तो जिसके कारण अगर बुरा हो भी रहा होता है वाइब्रेशंस बहुत अच्छे आ जाते हैं। मतलब पॉजिटिव बोलना, नेगेटिव्स का सोचते नहीं हम, नेगेटिव उससे बहुत फायदा होता है जी। बहुत अच्छा, थैंक यू मुरारी भाई जी के लिए एक बार ताली बजाएंगे सभी। इसी तरीके से अभी चलिए हम 5 मिनट के लिए पहले इस बात का अभ्यास करेंगे।